हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकता है और क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से अब तक आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, क्या नेगेटिविटी है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जर्नल रीडिंग है, सभी जोडियक साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में खुलकर बातचीत हुई ही नहीं है। शायद स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुई होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। ईगो इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है आप दोनों की। अभी मैं म्यूचुअल एनर्जीज बता रही हूँ, कार्ड सारे निकाल कर फिर मैं आपको डिटेल बताऊँगी। ओके, आप दोनों एक दूसरे तक पहुंचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हो, म्यूचुअल एनर्जी है। अभी आप दोनों की ईगो इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर दोनों के एक दूसरे के ऊपर डाउट है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है और वो सोचते हैं आप किसी और रिलेशनशिप में हो। प्यार की बात करूँ, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो। दोनों को ऐसा लगता है ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है ये रिलेशन। ये रिश्ता कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब तक इस रिलेशनशिप में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इस रिलेशनशिप में बातचीत होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, टेन ऑफ कॉइंस। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। शुरुआत हो सकती है, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत होगी। जो लोग सिंगल्स और अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी होगी। ये मैसेज सिंगल्स के लिए हैं कि सिंगल्स की उनके पार्टनर से शादी होगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज भी सेम हैं। ओके, ओके, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। शादी के दो कार्ड आए हैं हमारे पास। हो सकता है आप दोनों ने कमिटमेंट किया हो एक दूसरे को शादी करने का, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से शादी नहीं हो पाई है, तो अब चांसेस बन रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और वो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, देखिए ये पर्सन ना आप ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, तो इंट्रोवर्ट है। ये पर्सन गुस्सा दिखा लेगा, ईगो दिखा लेगा, लेकिन जिसके लिए अभी रीडिंग देख रहा हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन है ना फीलिंग्स नहीं दिखा पाता ये पर्सन। आपका नाम कहीं दिख जाए इस पर्सन को, आप कहीं दिख जाओ, आपकी आईडी कहीं दिख जाए, आप ऑनलाइन दिख जाओ, ये थोड़ा संतुष्ट हो जाता है पर्सन। आगे जाकर आपके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आप अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हो। किसी ने तो ये बोला लाइफ पार्टनर देखता है या देखती है तो आ क्यों नहीं रही है। जब आप टैरो में हो, देख रहे हो सारी चीज़ें, सिचुएशन को जानते समझते हो, पास्ट लाइफ के कर्मास को भी देखते होंगे, समझते होंगे, तो वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, लेकिन फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर हम दिखाते हैं, ठीक है, कब कहाँ किसकी। देखो ईविल आई बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर देती है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सारी जो चीज़ें ना अच्छी नहीं होती। और जितना हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, जितना हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए ना, उतना ही लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा आते जा रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें यूज़ करना, टोने टोटके, ब्लैक मैजिक, ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए आप किसी दूसरे के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ज़्यादा दिखा रहे हो, खुशियाँ दिखा रहे हो दुनिया को अपनी, डेफिनेटली वहाँ पे आपको नज़र लगेगी, ठीक है। लोग फिर अचानक बोलते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ थी, क्योंकि आपने बहुत दिखाया। अक्सर लोग यही करते हैं कि अपनी लाइफ की जो खुशियाँ हैं उसको दिखाएंगे बहुत ज़्यादा, या फिर दूसरों को नीचा समझने लग जाएंगे, दूसरों को दुख देने लग जाएंगे, दूसरों का पैसा लेकर अब अपनी खुशियाँ कैसे, मतलब ये भी एक चीज़ होती है। तो ना ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो खुशियाँ कैसे लगेंगी ना, मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने घर की खुशियाँ, अपना रिलेशनशिप, आप कितने खुश हो, क्योंकि आप खुश हो ना अपने तक रखो, दुनिया को मत बताओ, ठीक है। चलो
नहीं चाहते हुए भी छोटा सा लेक्चर में दे ही देती हूँ। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ देखता है, विक्ट्री देखता है अपनी, इसको आपके साथ ना बहुत अच्छा फील होता है। हाँ ये पर्सन कंट्रोलिंग है, इस पर्सन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया हो, लेकिन अगर नेगेटिविटी यूज़ नहीं हुई होती तो ये पर्सन ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहता है, इस बात का आपको एहसास होगा। ठीक है, ये पर्सन आपको फिर से पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगा देगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपके साथ कनेक्शन बनाने की, और हो सकता है आप इस पर्सन का वेट ना करो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, लेकिन ये पर्सन वापस लेकर आएगा आपको, वहाँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको क्या डिसीज़न लेना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात की थी, थर्ड पार्टी भी है लेकिन काफ़ी स्पीड से, जितनी स्पीड से थर्ड पार्टी आएगी आप दोनों के रिलेशन में उतनी ही स्पीड से वापस चले भी जाएगी। ये पर्सन प्यार करता है, आपके ऊपर नज़र बना के रखने की कोशिश करता है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे व्हाट्सएप हो कहीं पर भी, लेकिन ये पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, कहीं से भी कुछ भी पता करता है, लेकिन ये जानता समझता है आपको। इस पर्सन ने रिलेशन ख़त्म किया थर्ड पार्टी की वजह से, अब यही थर्ड पार्टी को निकाल कर आपके साथ वापस उस रिश्ते की शुरुआत करेगा, ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। ईगो काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन में, ईगो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपनी चलाने की और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है ये पर्सन आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, हो सकता है या एक ही जगह पर रहे हैं आप लोग, रहते हैं आसपास की बिल्डिंग है, या एक ही सिटी में काफ़ी समय पर नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ एक दूसरे से कनेक्ट करें होंगे या फिर वहीं से डेट करना शुरू किया होगा। इस पर्सन को नॉलेज है मेडिटेशन के बारे में, एंजल नंबर के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपको अचानक से इस पर्सन की याद आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको आवाज़ दे रहा है, उस पर्सन के थॉट्स आने लग जाते हैं आपकी तरफ, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। देखिए इस पर्सन से आपकी शादी होगी, डिसीज़न आपका होगा, लेकिन मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग इस पर्सन का और आपका रीयूनियन होगा, इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। बहुत से लोग जो हैं ज़्यादातर रीडिंग में आ जाता है, लेकिन ये रीडिंग में 10 of Cups आया है, 2 of Wands आया है, यहाँ पे 4 of Wands आया है, इसका मतलब है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं। हमेशा कहा है ये जर्नी ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, अवेकनिंग भी चल रही होती है, हो सकता है दोनों की, तो दोनों में आर्ग्यूमेंट, ईगो इश्यूज या आ सकते हैं, लेकिन इसकी रीडिंग करने के लिए आप डिटेल में बात कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में। ठीक है, तो ये थी आपकी आई होप आपको पसंद आई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।